मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं जी न्यूज इंडिया। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार विस्तार से। कलयुगी माँ ने अपनी फूल सी बच्ची को छोड़ा भगवान भरोसे, अस्पताल प्रशासन बना बच्ची का पालनहार। जिला मुख्यालय पर एक कलयुगी माँ ने अपनी मात्र एक दिन की बच्ची को अस्पताल परिसर के पालनहार में छोड़कर इसलिए चली गई कि उसके पहले भी तीन बच्चियां थीं। परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से भगवान के भरोसे वह बच्ची छोड़कर चली गई। बच्ची के डॉक्टर स्वर्णकार और चिकित्सा स्टाफ द्वारा उक्त बच्ची के माता को समझाने के बहुत प्रयास किए गए, परंतु वह नहीं मानी। लाख जतन करने के बाद भी वह बच्ची को साथ ले जाने के लिए राजी नहीं हुई। बच्ची को साथ ले जाने से इनकार करती रही। एक माँ का कलेजा अपनी जन्मी बच्ची के प्रति इतना कठोर कैसे हो गया? वह भी तो उसका अंश और खून ही था। चिकित्सा विभाग ही अब इसका भगवान बना और अब इस बच्ची का उपचार व देखरेख चिकित्सा विभाग द्वारा की जा रही है। एक और राज्य और केंद्र सरकार बालिका बचाओ बालिका पढ़ाओ में अरबों रुपए ले जन जागरूकता अभियान चला रही, तो वही दूसरी ओर एक कलयुगी माँ ने अपने कलेजे के टुकड़े अपनी ही पुत्री को अस्पताल परिसर के पालनहार में छोड़ने को मजबूर हुई। जानकारी के अनुसार यह महिला अत्यंत गरीब परिवार से है जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है और बच्ची का पालन पोषण करने में असमर्थता व्यक्त की। इसके पूर्व में भी तीन बच्चियाँ हैं। प्रशासन लगन से एहतियात तौर पर इस बच्ची का उपचार में लगा है। अब तो इसका भगवान ही चिकित्सा विभाग बना हुआ है। सर, ये पूरा मामला क्या है? देखिए, ये जो बच्ची है 8 तारीख को यहाँ पे जन्म हुई थी कांगड़ अस्पताल में ही, लेकिन और कमजोर थी, स्वास्थ्य की तकलीफ थी और कम वजन था, समय से पहले हुई थी, तो इसको SNCU में भर्ती रखा गया था और 9 तारीख को परिजन जो है वो उन्होंने कहा कि भाई छुट्टी दे दो। हमने कहा कि छुट्टी अभी दे नहीं सकते, बच्ची की स्थिति सही नहीं है और घर जाके बच्ची जिएगी नहीं, तो फिर वो घर वाले छोड़ के चले गए थे। फिर हमने पुलिस को सूचना दी, पुलिस उनको घर वालों को लेके आई और फिर पुलिस ने भी समझाया, हमने भी समझाया, उन्होंने कहा कि हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं, पहले ही तीन बच्चियाँ हैं तो हम इसको पालने वाले समझते। तो फिर सबने उन्होंने भी बोला कि फेंकने से अच्छा कि इसको पालना घर में डाल दो, तो ये सरकार की कस्टडी में आ जाएगी और किसी गरीब के मतलब किसी जिसके बच्चे नहीं उसके घर में खुशहाली लौटेगी। तो फिर वो बच्चे को अपने लेकर के पार्लर घर में डाल करके चले गए अपने।